मलिक के इस्तीफे के बाद नागपुर में राष्ट्रवादी कांग्रेस के कार्यकर्ता आक्रामक होते दिखाई दिए। लिबर्टी चौक पर शांतिपूर्ण रूप से चल रहे आंदोलन में अचानक कार्यकर्ता और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई। नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद नागपुर में आज आंदोलनों का दौर शुरू हुआ। राष्ट्रवादी कांग्रेस द्वारा लिबर्टी चौक पर आंदोलन शुरू हुआ। इस आंदोलन का प्रारंभिक रूप पूर्णतः शांतिपूर्ण रहा। देखो, सभी जनता को अब ये मालूम हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के अंदर में क्या पूरे देश के अंदर में सुड़ बुद्धि का राजकारण कर रही है। जो बड़े नेता है किसी भी पार्टी, कांग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादी, वो बड़े नेताओं को जानबूझ के पुरानी केसों में पुराना 20 साल 22 साल पुराना मैटर निकालकर ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं, और ये बहुत गलत बात है। ये इवन आरएसएस और बीजेपी के भी जो लोग अच्छे लोग हैं वो अब ये मान्य करने लगे कि जो ये सब चीज़ें हरकतें कर रहे हैं ये लोकशाही के लिए बड़ी घातक है। इस प्रकार से जिन्होंने अभी नवाब मलिक साहब के ऊपर में जो पैटिया 4 बजे घर में जाकर वो उठा के लेके गए, एक कैबिनेट मिनिस्टर है, इस प्रकार से जिन्होंने हरकत की है ये निषेधार्य है, और इसके लिए महाविकास आघाड़ी के सभी नेता लोग पूरे महाराष्ट्र के अंदर में इसका हम तीव्र निषेध व्यक्त कर रहे हैं। मगर बाद में अचानक कार्यकर्ता आक्रामक होते दिखाई दिए। आंदोलन की जगह छोड़कर वह रास्ते पर उतरने की कोशिश करने लगे और पुलिस व कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी दिखाई दी। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने बरड़ी पुलिस स्टेशन के अंदर आकर भी धरना दिया। इसके बाद पुलिस द्वारा आगे की कार्रवाई की गई। कल सुबह 4 बजे जिस प्रकार से आज तक के ऐसी कोई घटना नहीं हुई, जो सेंट्रल से आई हुई ईडी सीबीआई जिस प्रकार से आके 4:30 बजे किसी के घर में जाके उसको जगा के उठा के वहाँ पे अपने सीबीआई के ऑफिस में लेके जा रही है, ईडी के ऑफिस में लेके जा रही है, और उसको वहाँ पे कुछ 4-6 घंटे के बाद में ही उसको अरेस्ट कर रही है। जो कि जिस प्रकार से आज तक ऐसा हुआ है कि किसी भी प्रकार से कैबिनेट मिनिस्टर है वो कोई चलते फिरते आम आदमी नहीं होने के बावजूद किसी प्रकार का नोटिस नहीं देने के बावजूद भी उनको अरेस्ट किया गया। उसके लिए हम महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कल महाविकास आघाड़ी के सारे घटक ये आंदोलन करने जा रहे हैं। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।